कैसे आप लोग, सच का नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे अमेजन का ग्रेट इंडियन सेल्स और फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे के डिस्काउंट्स ऑफर्स के बारे में, जिसमें आपको अच्छा खासा ऑफर्स मिल जाते हैं स्मार्टफोन्स के ऊपर। तो हम बात करने वाले, अगर आपके पास 10,000 रुपए हो और आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जिसमें अच्छा फीचर्स मिल जाए, आपको अच्छा बैटरी बैकअप स्टोरेज ये सब मिल जाए, सो आज कौन सा फोन लोगे आप? क्योंकि मार्केट में तो इतने सारे वाइड रेंज में आपको फोन देखने को मिल जाते हैं, शाओमी, इन्फिनिक्स, रियलमी और भी बहुत सारे ब्रांड्स के, जिसमें अनबीटेबल प्राइस में अनबीटेबल ऑफर्स के साथ आपको एकदम ब्रांड न्यू फोन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अच्छे खास फीचर्स बहुत ही भर भर के दिए। यहाँ तक कि पोको और इन्फिनिक्स ने तो बहुत ही कमाल वाला फोन लेके आ चुके हैं मार्केट में, 10,000 में आपको मिल जाता है 6GB RAM वाला वेरियंट। यहाँ तक कि आपको दूसरे फोन्स में भी देखने को मिल जाएगी, अभी लेटेस्ट फोन्स में आपको देखने को मिल जाएंगे पंच होल डिस्प्ले, ड्यू ड्रॉप, नॉच वाला, साथ ही आपको बहुत से फोन्स में आपको ये भी मिल जाएगी कि 48 MP का कैमरा, वो भी 10,000 के अंदर। सो गाइस ये तो बहुत ही धमाकेदार ऑफर है। सो चलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे लाए हैं फोन्स ढूंढ के जिसमें आपको 48 MP कैमरा तो मिलता है, साथ साथ बैटरी बैकअप भी बहुत ही यूज मिलता है, प्लस उसका जो स्टोरेज और रैम है एकदम धमाकेदार है। सो आप गेमिंग हो या फोटोग्राफी हो या फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, शूटिंग करते हो, सो गाइस उसके लिए तो एकदम दमदार फोन है। सो गाइस चालू करते हैं हम वीडियो को बिना किसी रुकावट। तो इस वीडियो से आने से पहले अगर इस चैनल पर नया आना सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन बजा दो ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए और हमें बताइए कि आपका फेवरेट फोन कौन सा है 10,000 के अंदर। वीडियो को शेयर करना ना भूलिए सारे दोस्तों से ताकि हमारे सारे यूट्यूब दोस्तों को पता चले ऐसे फोन्स के बारे में और वो ये फोन्स को मिस ना करें इस बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन सेल्स में, जिसमें आपको अनबीटेबल डिस्काउंट भी देखने को मिल रहे हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे हमारे पहले फोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला फोन है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला का E7 Plus, जिसमें अच्छा खासा आपको रैम देखने को मिल जाता है, 4GB का RAM मिल जाता है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज। तो ये बहुत ही दमदार फोन है, आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, 128GB के प्लस कर सकते हो। सभी इसकी बात कर ले, इसमें आपको कैमरा क्वालिटी कैसे मिल जाता है, तो वैसे 48 MP प्लस 2 MP का मैक्रो कैमरा, 2 कैमरा मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है फोटोग्राफी के लिए और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी। तो अभी इसकी बात कर ले तो सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है 8 MP का और 5000 mAh की यूज बैटरी मिल जाती है देखने को, सो इस गेमिंग के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और अभी प्रोसेसर मिल जाता है इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 10 भी देखने को मिल जाता है। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 9,000 के करीब, वही अगर आप इसमें फ्लिपकार्ट में अगर सेल्स में जाओगे आपको बिग बिलियन डेज में आपको मिल जाएगा 8,000 के आसपास। बस ये थी हमारा पहला फोन जिसमें आपको अच्छा खासा रैम मिल जाता है, स्टोरेज भी मिल जाता है और गेमिंग के लिए भी बेहतर है। अगर आपका बजट इतना है तो ये फोन आपके लिए सही है, 9,000 के आपको 8,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा ये फोन। सो अभी दूसरे फोन के बारे में बात करें, दूसरा हमारा बहुत ही जबरदस्त फोन है जिसमें अच्छा खासा कैमरा क्वालिटी और इससे थोड़ा इम्प्रूव मिल जाता है। सो बात करें तो दूसरा फोन के बारे में, तो दूसरा फोन है हमारा इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो जिसमें अच्छा खासा रैम मिल जाता है, सेम आपको 4GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज, आप इसको एक्सपांड भी कर सकते हो 128GB के प्लस। शायद अभी बात करें इसके कैमरा क्वालिटी, तो इसमें आपको मिल जाता है AI का क्वाड कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको 48 MP का कैमरा मिल जाता है, 2 MP डेप्थ कैमरा और 2 MP मैक्रो कैमरा, प्लस AI का सेंसर मिल जाता है जिसमें आपको अच्छा लो लाइट कैमरा में बहुत ही मदद मिलेगा। बात करें इसके कैमरा क्वालिटी की, फ्रंट की, तो फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 8 MP की। सो इस कैमरा सेल्फी कैमरा में आपको कोई गरज नहीं है, आपको अच्छा खासा लो लाइट सेंसर में भी आपको डार्क में भी बहुत ही अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। बैटरी आपको 5000 mAh की मिल जाएगी जो कि यूज है और गेमिंग के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। आपको इसमें प्रोसेसर मिल जाएगा मीडियाटेक का हीलियो का P20 प्रोसेसर मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत अच्छा गेमिंग के लिए मिल जाएगा। तो ये भी बहुत ही बेहतर है गेमिंग और फोटोग्राफी के लिए, तो गाइस बहुत ही बेस्ट है। सो इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा, तो हमारे सारे फोन में आपको एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। साथ ही सभी फोन आपको 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज में मिल जाएगी। और कैमरा क्वालिटी की बात करें तो सभी फोन में एक से एक बेहतर कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, सारे फोन 48 के आसपास देखने को मिल जाएगा मेगापिक्सल के। तो इस इन्फिनिक्स का आपको हॉट 9 प्रो आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा 10,000 के आसपास, वहीं अगर आप सेल्स में लेते हो तो आपको 8,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। वैसे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर आपको ये वाला फोन इन्फिनिक्स का आपको कैमरा क्वालिटी वाला फोन चाहिए और ये आपके लिए बेहतर रहेगा, वही 8,500 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें अभी नेक्स्ट फोन की, तो नेक्स्ट फोन भी आता है मोटरोला की तरफ से, मोटरोला का G9 जिसमें आपको अच्छा खासा कैमरा क्वालिटी इससे भी देखने को मिल जाता है अच्छा। तो वैसे ये फोन आपको देखने को मिल जाएगा 10,000 के आसपास पर, आप सेल्स में लेते हो तो आपको 9,000 में पड़ जाएगा, मिल जाता है आपको 64GB इंटरनल, आपको एक्सपांड कर सकते हो 128GB के प्लस। तो वैसे अभी इसमें बैटरी मिल जाता है आपको 5000 mAh की यूज बैटरी, तो गेमिंग के लिए तो सारे के सारे फोन ना आपके लिए अनबीटेबल है, वैसे आप सुबह से शाम तक आराम से गेमिंग के लिए खेल सकते हो। कैमरा क्वालिटी की बात कर ले तो उसमें आपको थोड़ा बेहतर कैमरा क्वालिटी मिल जाती है,
48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। तो इस मार्केट में आपको ये वैल्यू मिल जाएगा 10,000 के आसपास, पर वही अगर आप सेल्स में लेते हो तो आपको मिल जाएगा ये 9,000 में। सो गाइस, ये वाला फोन था मोटोरोला का G9 का, जिसमें अच्छा खासा क्वालिटी मिल जाता है आपको इन्फिनिक्स से ज्यादा। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट फोन मोटोरोला के G9 से भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें कैमरा क्वालिटी आपको इसमें ज्यादा अच्छा मिल जाता है। सो गाइस, कैसे हम देख लेते हैं अभी। सो इसमें आपको सिंपली आपको मिल जाता है 4GB RAM, 64GB ROM, आप एक्सपांड कर सकते हो 128+। प्लस इसमें आपको मिल जाता है 5000 mAh की यूज बैटरी। साथ ही आपको इसमें कैमरा क्वालिटी की बात करें तो आपको थोड़ा एक कदम ज्यादा मिलेगा। तो इस रेयर कैमरा तो सेम ही मिलता है आपको, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। सो ये ट्रिपल कैमरा मिल जाता है, साथ ही आपको एक AI का लेंस भी देखने को मिल जाएगा इन्फिनिक्स नोट 7 में। सो इधर इसके प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा, और भी बेहतर मिल जाएगा आपको इन्फिनिक्स के नोट 9 प्रो और मोटोरोला का G9 से। तो गाइस, इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतर है। प्रोसेसर की बात करें तो आपको मिल जाता है इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको G70 का प्रोसेसर मिल जाता है मीडिया टेक का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है एंड्रॉइड 10 का, जो कि सारे हमारे फोन्स के लिस्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम 10 का ही मिलेगा, क्योंकि हमने वैसा ही लिस्ट तैयार किया है जहाँ आपको अच्छा बेहतर मिल जाएगा। तो गाइस, इन्फिनिक्स नोट 7 आपको बीट कर देता है मोटोरोला को। सो गाइस, ये बात थी इन्फिनिक्स नोट 7 के बारे में, जो कि इसमें आपको अच्छा खासा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जब बढ़ते हैं हमारे लास्ट फोन्स की तरफ, तो ऐसे लास्ट में दो कैटेगरी के फोन्स आ चुके एकदम बेस्ट क्वालिटी के। एक तरफ आ जाते हैं आपको देखने को मिल जाता है रियलमी नार्जो 20 और दूसरी तरफ टेक्नो कैम 15, दोनों ही बहुत जबरदस्त फोन है। सो इनकी कंपैरिजन भी बनता ही है। तो जिसमें आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, वहीं टेक्नो कैम भी आपको अच्छा खासा कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में कैमरा क्वालिटी का बेस्ट है। तो आप हमें जरूर बताएं इन दोनों में से आपको सबसे बेहतर कौन सा लगा। सो रियलमी से स्टार्ट करते हैं हम, रियलमी नार्जो 20 और टेक्नो कैम 15 आपको दोनों सेम प्राइस में देखने को मिल जाएगी। सो गाइस, ये आपको 10,499 में दोनों ही मिल जाएगी, पर डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी 9,450 में। सो इस रियलमी नार्जो 20 में आपको देखने को मिल जाएगा 4GB RAM, 64GB ROM, साथ ही 128GB का इंटरनल स्टोरेज, एक्सपांड कर सकते हो आप। साथ ही इसमें सबसे बेस्ट आपको मिल जाता है 48 मेगापिक्सल कैमरा तो मिल ही जाता है, साथ ही 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल से आप वाइड कैमरा रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जहां आपको बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा, 119 डिग्री से ले सकते हो रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत ही बेहतर है। वहीं आप अगर टेक्नो कैम में देखोगे तो आपको मिलेगा 4GB RAM, 64GB एज यूजुअल सेम मिलेगा। टेक्नो कैम की अगर कैमरा की बात की जाए तो उसमें मिल जाता है 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो कैमरा मिल जाता है। तो इसमें थोड़े से के लिए टेक्नो कैम थोड़ा पीछे रह जाता है, वही रियलमी नार्जो आगे निकल जाता है। सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी कैमरा रियलमी में मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल, तो वहीं अगर टेक्नो कैम की बात करें तो 16 मेगापिक्सल, तो यहाँ 16 मेगापिक्सल में टेक्नो कैम आगे निकल जाता है। बैटरी में बात करें तो बैटरी में आपको रियलमी नार्जो में मिल जाता है 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी, जो बहुत ही यूज है, आप खत्म नहीं कर पाओगे इतना लंबा बैटरी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर टेक्नो कैम की बात करें तो आपको 5000 mAh की मिल जाती है, ये भी बहुत ही बड़ी बात है, बट रियलमी नार्जो से वो थोड़ा हार जाता है, तो यहाँ कमी हो जाती है टेक्नो कैम में, पर वहीं कैमरा क्वालिटी में टेक्नो कैम थोड़ा आगे निकल जाता है सेल्फी कैमरा में। तो वैसे अभी इन दोनों के प्रोसेसर की बात कर ले तो आपको इसमें रियलमी नार्जो में मिल जाता है मीडिया टेक हीलियो G85, जो कि बहुत ही फास्ट है। वहीं अगर हम इसकी बात कर ले टेक्नो कैम की, तो वहीं आपको इसमें भी मीडिया टेक का ही प्रोसेसर मिल जाता है, वैसे P22 प्रोसेसर मिल जाता है, जो ठीक ही है। आपको दोनों इसमें एवरेज मिल जाते हैं, आपको गेमिंग के लिए भी बहुत बेस्ट मिल जाता है, दोनों में एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट भी मिल जाता है। सो बहुत ही बेहतरीन फोन है, दोनों ही जबरदस्त है। सो इसमें तो रियलमी नार्जो आगे निकल जाता है, पर वहीं अगर आपको थोड़ा कैमरा क्वालिटी में ज्यादा फेस है तो आप इसमें भी देख सकते हो। अगर आप सेल्फी में सेल्फी ज्यादा लेते हो, अगर सेल्फी हो तो आपको जाना चाहिए टेक्नो कैम के साथ, वहीं अगर आप रेयर कैमरा से शूटिंग करते हो या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो ज्यादातर, तो आपको जाना चाहिए रियलमी नार्जो से। गेमिंग के लिए दोनों ही फोन बहुत ही जबरदस्त है, आपको कैमरा क्वालिटी के साथ इसमें गेमिंग का फीचर्स भी बहुत ही शानदार मिलते हैं। सो ये थी कुछ रियलमी नार्जो और टेक्नो कैम के बारे में जो आपको पता रहना चाहिए। सो गाइज, ये थे कुछ बजट फोन जो आपको बहुत ही बेहतरीन प्राइस में देखने को मिल जाएंगे सेल्स में। सो गाइज, हमें जरूर कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा फोन पसंद कौन सा है। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो खत्म कर देते हैं, आशा है आपका दिन शुभ बीते। सो बाय।